प्रभारी मंत्री दारा सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां दैवीय आपदा के पीड़ित लोगों को प्रभारी मंत्री दारा सिंह ने अनुदान का वितरण किया। नगर के अष्टभुजा गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर राहत देने का आदेश दिया। जिले में जन धन की क्षति को देखते हुए काफी मरमाहत है, मुआवजा देने के लिए सरकारी अमला जांच में जुटा है। देखिए, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहिए, प्राकृतिक आपदा कहलाते हैं। जितनी जाने मिर्जापुर जनपद में ओलावृष्टि से गई है, इसको लेकर के हम सभी लोग उसको लेकर मरमाहत है और हमारी सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर मरमाहत है। और इसी को लेकर के हम हैं माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी लोग इसको लेकर के वहाँ मौके पर गए थे कि किसानों का बड़ा नुकसान भी हुआ है। और इसको लेके जितनी तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तत्परता दिखाई है कि 48 घंटे के अंदर तुरंत उनको राहत पहुंचाया जाए। और मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में इसी तरीके से 48 घंटे का जो भी राहत पहुंचाई जानी है उनको पहुंचा दिया गया है। बाकी जिलाधिकारी को जो निर्देशित किया गया है उनका जो आकलन करके सर्वे करके जल्द से जल्द राहत आयुक्त के पास भेज दिया जाए। अभी आपके सामने जिलाधिकारी ने पूरा डिटेल कि यहाँ पे 15 लोग कैजुअल्टी हुई, मरे हैं लोग, 174 पशु मरे हैं, 24 लोग घायल हैं, 314 घर डैमेज हुए हैं, 91,000 समथिंग हेक्टेयर का जो नुकसान हुआ है इसका पूरा का पूरा आकलन जिलाधिकारी ने कुछ तो भेज दिया है। कुछ जो बचे हुए उसका सर्वे करके जो है शासन को भेजा जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी क्षति हुई है उसका पाई पाई का हिसाब करके उन किसानों के लिए आज योगी सरकार पूरी तरीके से किसान के साथ खड़ी है, उनका पूरा का पूरा हिसाब करके उनको हम लोग राहत देने का काम करेंगे। वहीं जिले में दैवीय आपदा से हुई क्षति पर सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी दुख जताया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार आपदा पीड़ितों को जल्द राहत देने के लिए कार्य कर रही है। पीड़ितों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है, किसानों की क्षति का आकलन कर पाए का हिसाब किया जाएगा। देखिए, जो एक दैवीय आपदा की परिस्थिति हमारे जनपद में विकसित हुई है, अतिवृष्टि भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, तूफान भी आया और आकाशीय बिजली का भी एक तरीके से प्रहार हुआ जनपद में, उससे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। 91,500 हेक्टेयर लगभग जो हमारी फसल है उसका नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही हमारे 174 पशुओं की मृत्यु हुई है, 15 हमारे मानव मृत्यु हुई हैं और 314 हमारे मकान गिर गए हैं। इन सारी परिस्थितियों का हम लोग प्रशासन की ओर से भी आकलन किया गया है और माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने और हम सारे जनप्रतिनिधियों ने भी जाकर गांव-गांव में उसका मुआयना किया है, उसका निरीक्षण किया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही शीघ्र एक्शन में आते हुए सारे लोगों तक कितनी जल्दी हम राहत पहुंचा सकें इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने की 13 तारीख को भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि के कारण जिले में हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। जनपद में अब तक 15 जन, 174 पशु की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हैं। जहां हजारों पेड़ गिरे तो वहीं सैकड़ों मकान धाराशाही हो गए। इसके अलावा किसानों की दलहन और तिलहन की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि प्रदेश सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।